आज का स्टॉक लाया हूं एनआरबी बेरिंग्स। और आप देखिए कल भी हम अगर याद करें तो इवनिंग शो में ऑटो स्टॉक्स के ऊपर और ऑटो इंसिलरी के ऊपर सवाल पूछा गया था, और मैंने बहुत सारे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किया है, और ऑटो और ऑटो इंसिलरी आउट परफॉर्म करे, और ये स्टॉक डाउनसाइड रिस्क अब कम लगती है, नीचे का लेवल एकदम ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया, 110-15 एक लेवल है जहां पे मुझे लगता है कि उससे नीचे जाएगा। और ये स्टॉक को मैंने 17 जून लास्ट ईयर भी दिया था, और उस टाइम पे मैंने 130-135 के लेवल्स पे दिया था और आराम से 155-160 का टारगेट अचीव किया, और 190 के लेवल से अब ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे एक्सप्लोर करना चाहिए। 1965 से कंपनी कार्यरत है और एक इंडो फ्रेंच वेंचर के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, प्रोमोटर्स काफी रिनाउंड प्रोमोटर्स है इंडिया में भी, और निडल और सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग्स का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। और कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि 90% ऑफ द व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स में एनआरबी के पार्ट्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके की पेडिग्री, इस तरीके की कंपनी, और आप देखिए रिसेंटली हमारे कुणाल जी की भी फेवरेट कंपनी टिमकेन इंडिया जो बेरिंग्स में है, जो मार्केट लीडर है, अच्छा खासा आउट परफॉर्म की, उसके सामने इसकी पी मल्टीपल्स पे अगर वैल्यूएशंस देखें तो बहुत सस्ती है। और कंपनी ने अभी आरएनडी पे काफी खर्च किया है क्योंकि ईवी में जो सेगमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसको देखते हुए, और एक्सपोर्ट्स भी कंपनी का ठीक ठाक है 22-25-23-24% के लगभग। और अब मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स पे अगर देखें तो 15 के पी मल्टीपल पे सस्ता स्टॉक, और 15-16 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और लाजमी है कि पिछले 2-3 सालों में ऑटो सेक्टर ऑटो इंसिलरी थोड़े इफेक्टेड थे, बट अगर 5 साल की ग्रोथ देखें तो 8-9% के हिसाब से कंपनी ग्रो भी कर रही है। और मैं देख रहा था ओपीएम मार्जिन्स, तो वो भी 17-18% के लगभग मेंटेन्ड है। मार्च 2022 में पिछले क्वार्टर के मुकाबले ओपीएम बढ़े हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आए, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली इंप्रेसिव, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव। मैं इतने सारे जेम्स दिया हूं बट इतना इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए 50% तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स की है, एफआईआई जो डीआईआई करीब 33.5% होल्ड कर रहे हैं कंपनी में, और उसमें भी एफआईआई में नालंदा इंडिया इक्विटी फंड जो कि 9.99 मतलब ऑलमोस्ट 10% होल्ड कर रही है, और डीआईआई में टॉप शेयर होल्डर अगर देखें तो वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो कि 9.25% के लगभग होल्ड कर रही है। तो इस तरीके से ये काफी इंप्रेसिव लगता है मुझे, और ऊपर के लेवल्स के बाद अब मैं देखता हूं कि अच्छा खासा करेक्ट होने पे 150-170 का टारगेट लगा के स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स में। ओके, तो एनआरबी बेरिंग्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदा जाए।